गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब्स यूजिंग एस्टीमेशन। मतलब ये जो दिए गए हैं ये एक परफेक्ट क्यूब है और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है एस्टीमेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बच्चों एस्टीमेशन के लिए क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंड होता है, मतलब वंस प्लेस में अगर ये डिजिट्स हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो इनके क्यूब रूट में भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आएगा। ठीक है, ये क्यूब है तो ये क्यूब रूट है, अगर ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब है, मतलब वंस प्लेस में नंबर्स चेंज ही नहीं हो रहे। लेकिन अगर वंस प्लेस में 2 आ गया तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा, ये क्यूब रूट का सिंबल है बच्चों। अगर वंस प्लेस में 2 है तो क्यूब रूट में 8 आएगा, अगर क्यूब में वंस प्लेस में 8 है तो उसके क्यूब रूट में 2 आएगा, इंटरचेंज होगा। और एक पैर है, अगर वंस प्लेस में 3 है तो क्यूब रूट में 7 आएगा, और अगर वंस प्लेस में 7 है तो क्यूब रूट में 3 आएगा, ये भी इंटरचेंज हो रहा है। बस इतना ही याद रखना है ये सम के लिए। ठीक है, तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर वंस प्लेस में है तो उसके क्यूब रूट में भी वही नंबर आएगा। अब देखिए बच्चों, इस सम में 592704 है। पहले तो हमें इनका ग्रुप बनाना है, मैक्सिमम एक ग्रुप में 3 ही हो सकते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम मैंने ले लिया 3, 3 का एक ग्रुप बन गया। फिर मैक्सिम, फिर यहाँ से पीछे की तरफ वंस टेंस हंड्रेड ऐसे ही आना है, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड का एक ग्रुप, फिर जो बचा उसका एक ग्रुप, इसमें भी 3 नंबर है तो 2 ग्रुप बन गए। तो अब इसमें 704 में यूनिट्स प्लेस में देखिए बच्चों क्या है, 4 है। तो 4 अगर वंस प्लेस में है तो इसके क्यूब रूट के वंस प्लेस में भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो वंस प्लेस में क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब ये 592 जो बच गया, ये 592 किसके बीच लाई करता है ये जानना है। 592 लाइज बिटवीन विच परफेक्ट क्यूब। तो हमें पता है, बाय हार्ट किया है हमने, कि ये लाई करता है 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में, क्योंकि 8 क्यूब क्या है 512 और 9 क्यूब क्या है 729। अब 592 इन दोनों के बीच में ही तो आता है, लेकिन शर्त यह है ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। अब 8 और 9 किया, छोटा नंबर कौन सा है 8, तो टेंस प्लेस में आएगा 8। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ इसका क्यूब रूट है 84, मतलब 84 × 84 × 84 विल गिव यू दिस। नेक्स्ट सम 24389। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, ग्रुप बनाना। तो ये एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ सेकेंड ग्रुप में सिर्फ 2 नंबर है, चलेगा, कम से कम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो इसका भी एक ग्रुप बना दिया, तो ये 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, तो 2 ग्रुप मतलब 2 डिजिट्स। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है ना, क्वेश्चन 6, इसके लिए भी इन्होंने पूछा है राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट, मतलब इसके क्यूब रूट में कितने नंबर्स होंगे। तो 2, कैसे 2 बन रहे, जितना हम ग्रुप बना रहे ना उतना ही नंबर्स होंगे, उतने डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो ये भी आप इधर ही पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन 6 आपके लिए आसान हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ मैंने 2 ग्रुप बना दिया है। अब इस ग्रुप में वंस प्लेस में क्या है, 9। तो अगर वंस प्लेस में 9 है तो इसके क्यूब रूट के वंस प्लेस में भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये हो गया। अब बचा 24। अब 24 किसके बीच लाई करता है, 24 लाइज बिटवीन किसके, 2 क्यूब और 3 क्यूब, राइट, क्योंकि 2 क्यूब है 8 और 3 क्यूब है 27, और 24 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों में से छोटा कौन, 2, सो हम लिखेंगे 2, मतलब टेंस प्लेस में है 2, तो इसका आंसर हो गया 29। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है इसके क्यूब रूट में, अभी हमें पता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर हम देखें कितने ग्रुप बनाए हैं हमने, 1 और 2, तो इससे हम बोल सकते हैं 2 डिजिट होंगे इसके क्यूब रूट में। ठीक है, सी सम 438976। पहला स्टेप ग्रुप बनाइए, इसका 3 नंबर्स का एक ग्रुप और फिर से 3 नंबर्स का एक ग्रुप,
अब यहाँ वंस प्लेस में क्या है बच्चों, सिक्स, और हमने यहाँ देखा अगर वंस प्लेस में सिक्स है तो उसके क्यूब रूट में भी वंस प्लेस में सिक्स ही होगा, ये हो गया वंस प्लेस। अब बच्चा क्या 438, 438 किसके बीच में लाई करता है, 438 लाइज बिटवीन 7 क्यूब एंड 8 क्यूब, क्योंकि 7 क्यूब है 343 और 8 क्यूब है 512 और 438 इन दोनों के बीच में आता है। अब इन दोनों में से छोटा कौन, 7, मतलब टेंथ प्लेस में आएगा 7, दैट्स ऑल। सो इसका क्यूब रूट क्या हुआ, क्यूब रूट है 76। डी सम माइनस 185193। अब फिर से इसका पैर बना देते हैं बच्चों। अब इसका आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है नेगेटिव क्यूब विल गिव यू नेगेटिव क्यूब रूट और नेगेटिव क्यूब रूट विल गिव यू नेगेटिव क्यूब। तो अब इसका भी हमने दो ग्रुप बना दिया। अब यहाँ आ गया है 3 और हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि 3 अगर आएगा तो उसके क्यूब रूट में क्या होगा, 7। तो यहाँ 3 है तो इसके क्यूब रूट वंस प्लेस में आएगा 7। अब क्या है 185, 185 किसके बीच में लाई करता है बच्चों, 185 लाई करता है 5 क्यूब विच इज 125 एंड 6 क्यूब विच इज 216। सो 185 इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब इन दोनों में से छोटा कौन, 5, तो आंसर इज माइनस 57। अगर पूछे इसमें कितने डिजिट्स होंगे बिना ये किए तो आप क्या लिख सकते हो, एक ग्रुप दो ग्रुप, सो दो डिजिट्स होंगे। देखिए इसके क्यूब रूट में दो डिजिट्स है ना, लास्ट सम 778688। पहला स्टेप ग्रुप बनाइए 1 और 2। अब यहाँ 8 है, अगर 8 है वंस प्लेस में तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 2, तो ये वंस प्लेस में आएगा। और 778 किसके बीच में लाई करता है, 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में, क्योंकि 9 क्यूब है 729 और 10 क्यूब है 1000 और 778 इन दोनों के बीच में आता है। अब इन दोनों में से छोटा कौन, 9, तो टेंस प्लेस में आएगा 9। सो इसका क्यूब रूट क्या आया, 92। और अगर इसमें पूछे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे क्यूब रूट में तो बिना ये देखे आप ग्रुप की मदद से दो बोल सकते हो, यहाँ आ गया 2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, मतलब कितने डिजिट्स होंगे इनके क्यूब रूट में। अभी हमने पढ़ा था ना ग्रुप बनाना है, बस ग्रुप बनाकर हमें पता करना है। अब यहाँ ग्रुप एक ही ग्रुप बन रहा है, देखिए 3 का मैक्सिमम हम 3 ही बना सकते हैं एक ग्रुप में, 3 जन को ही डाल सकते हैं। अब ये 3 डिजिट्स बन गए एक ग्रुप, तो इसके क्यूब रूट में सिर्फ एक डिजिट होगा। और देखिए हमें यह पता है 729 इसका क्यूब रूट है और क्यूब रूट 9 है, 9 कितना डिजिट हो गया बच्चों, 1 डिजिट है, ठीक है। अब इसका भी ग्रुप बनाइए, पीछे से एक ग्रुप बन गया, फिर इसका भी एक ग्रुप, सो टोटली देर आर 2 ग्रुप्स, मतलब इसके क्यूब रूट में 2 डिजिट्स होंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों ये एक ग्रुप है, मैक्सिमम 3 नंबर्स, यहाँ भी मैक्सिमम 3 नंबर्स, फिर एक नंबर और बचा है, मतलब इसके साथ ये भी हमें जोड़ना ही है लेकिन ये अलग ग्रुप में जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में तो सिर्फ 3 नंबर्स ही हो सकते हैं। तो ये कितने ग्रुप बन गए, टोटली 3 ग्रुप्स बन गए, तो आंसर इज 3। अब यहाँ भी देखिए ये एक ग्रुप 816 का, फिर 818 दूसरा ग्रुप और 94 जो है वो तीसरे ग्रुप में आएगा, मतलब इसके जो क्यूब रूट होंगे इसमें 3 डिजिट्स होंगे। लास्ट सम ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, तो कितने डिजिट्स होंगे इसके क्यूब रूट में, 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4C ख़त्म हुआ और अब यहाँ तक हमने किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर चेकअप से शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप क्यूब रूट्स और क्यूब्स बाय हार्ट करते रहिए। बाय।